हाय ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए, ठीक है? और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा उनका एक्शन, यानी कि अगले नेक्स्ट 48 आवर्स की हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और वैसे ही लेना है आपको। सो आज की रीडिंग में मैं 3 डेक्स का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है? सो आप लोग जो है अपने पार्टनर के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। आई होप आप सब जानते हैं कि आपको कैसे ध्यान लगाना है ना? मैंने कई बार बताया है आपको। सो गाइस, देखो मैंने 3 डेक्स आपके सामने रख दिए हैं, आई होप आप सबको दिख रहे होंगे। ओके, सो आज की इस रीडिंग में जो है ना, हम आपके पार्टनर के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपकी भी थोड़ी बहुत हम एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है? सो आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे और मैं कोशिश करूँगी कि सबकी एनर्जी को मैं ले सकूँ, ठीक है? सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी कैसे बुकिंग को कंफर्म करनी है, ठीक है? सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। और आप लोगों ने डेली गाइडेंस देखी, आज की डेली गाइडेंस आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी और डेली ही अब जो है ना आपको डेली गाइडेंस मिला करेंगी। सो आप लोग उसको भी देखो ताकि आपको अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी हेल्प हो सके, ठीक है? सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं कार्ड्स को जो है ना शफल कर रही हूँ, सो प्लीज़ इनवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी फीवर हैं उनके पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज़ इनवर्स गाइड मी। सो प्लीज़ इनवर्स गाइड मी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली है इनके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, सो पहला कार्ड है मेरे पास 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ मैं रखती हूँ कार्ड को। ओके, सो चलो देखते हैं। प्लीज़ इनवर्स गाइड मी मैं कार्ड आपके सामने ही निकाल रही हूँ। ओके, द स्टार का कार्ड है हमारे पास, सेकंड कार्ड द स्टार। और कार्ड देखते हैं, और कार्ड है मेरे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डेथ का कार्ड है हमारे पास। ओके, सो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है। 5 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक जो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास। सो यहाँ देखो, बॉटम ऑफ द डेक देख के भी मुझे पता चल रहा है कि इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग जो है ना काफ़ी स्टक रहने वाली है। आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है? सो यहाँ पे एनर्जी जो है मुझे जो बता रही है कि आपके पार्टनर इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, देख रहे हो 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में हैं, अभी भी हैं, जिसमें उनको घुटन सी महसूस हो रही है। कुछ ऐसी इनकी फैमिली मैटर है या फिर आपके साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके पार्टनर को परेशानी महसूस होगी, तकलीफ महसूस होगा, ठीक है? इन नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी में कुछ ऐसा कार्ड मुझे दिख रहा है, ठीक है? और ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर का ये भी है, देखो इनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना इनकी फैमिली या तो इनके ऊपर दबाव डालने वाली है या फिर ये खुद अपनी वजह से ही जो है ना ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये सोचेंगे ना कि
पहले तो ये जो है ना अपने ईगो में रहने वाले हैं, ये पार्टनर ईगो में रहने वाले हैं अपने, और थोड़ा टाइम के लिए ये सोचेंगे कि चलो मैं बात कर लेता हूँ, बात कर लेती हूँ, लेकिन फिर क्या है, नहीं बात करेंगे, ये अपने आप का जो है ना मन खींच जाएंगे। सो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है ना इस एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले हैं, अपनी वजह से इनको दुख होगा, उनको तकलीफ होगी, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में। और देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ख़त्म होने वाला है इनकी लाइफ से, आप दोनों के रिलेशनशिप से कुछ ख़त्म होने वाला है, और ख़त्म हो के एक न्यू बिगनिंग भी होने वाली है, ठीक है। सो ये जो मुझे लग रहा है, ये जो सिचुएशन है, ये नेक्स्ट 48 आवर्स में जो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है, और इनको जो है ना गिल्ट फील होगा, इनको होगा कि हाँ मैंने, मेरी गलती की वजह से मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। सो इस एनर्जी से बाहर निकल कर के जो है ना ये डेथ का होगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना ये सिचुएशन की डेथ हो जाएगी। कहने का ये मतलब है कि ये जो सिचुएशन है तकलीफदायक, ये सिचुएशन ख़त्म होगी, ठीक है। और ट्रेन आ गई थी। देखो ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपके पार्टनर के साथ ये सिचुएशन ख़त्म होगी और इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी। ये जो है ना पार्टनर आपके, ये कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, इन्होंने गलती की है तो ये अपनी गलती से सीखे हैं या सीखेंगे, ठीक है। इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर ऐसा कुछ करने वाले हैं। द स्टार का कार्ड है, तो देखो अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हो और आपको एक होप है। देखो आप इतने अच्छे पर्सन हो, आपकी वाइब्स इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, आप जानते हो कि आपको कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पे आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे बैलेंस करके चलना है, मुझे बैलेंस बनाना होगा, जो बात, जो चीज़ें मुझे रोक रही हैं अपने पर्सन के पास जाने को, उनमें मुझे बैलेंस बनाना होगा, मतलब मुझे इधर भी देखना होगा और उधर भी देखना होगा, दोनों तरफ ही देखना होगा और दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा, ठीक है। सो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी रहने वाली है, थ्री ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। सो आपके पार्टनर सोचेंगे कि मुझे बात करनी है, मुझे अपने पर्सन के लिए एक्शन लेना है। सो इनको इंतज़ार रहेगा, हो सकता है कि आप लोगों का जो है ना रिलेशनशिप, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनको वक्त का इंतज़ार है कि कब ये दूरी ख़त्म हो, क्योंकि इनको लंबा रास्ता तय करना है, ठीक है, इनको लंबा रास्ता तय करना है। और रास्ता भी है ऐसा सीधा साधा नहीं है, ये रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े से हैं, ठीक है, जो इनको आपके करीब लेके आएंगे। सो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर को वो रास्ता दिखेगा और उस रास्ते पे चलने के लिए जो है ना ये स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये प्लान करेंगे, ठीक है, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं टैरो कार्ड से कि क्या है एनर्जीज, क्या एनर्जीज है नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, हमारे यहाँ ठंड बहुत बढ़ गई है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स। सो देखिए इनके फैमिली मैटर है या फिर आपके फैमिली से इनको कोई प्रॉब्लम है, कार्ड्स बता रहे हैं कि फैमिली मैटर ही मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है, या तो आपकी फैमिली से उनके कुछ उलझने हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं उनके सामने कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। देखो दोनों ही कार्ड्स की एनर्जी वही है, दोनों ही बस क्या कर रहे हैं, अपने सामने वाले को देख रहे हैं, मतलब कि सोच रहे हैं उसके बारे में, डीप थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। देखो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है ऐसी, देख रहे हो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन भी है हमारे पास, और फायर तो है ही।
तो देखो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि यहाँ नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र भी रखने वाले हैं, आपको या तो सोशल मीडिया पे स्टक करेंगे या किसी और से आपके बारे में पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी जो है ना यहाँ पे दिख रही है कि इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर ऐसे ही करने वाले हैं। वाओ, सो देखो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोचने वाले हैं, और ये जो है ना पीछे की बातें जो भी पीछे हुई हैं आप दोनों के दरमियाँ उनके बारे में ये सोचने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, क्या इस मुसीबत का क्या हल है ना। तो ये सोचने वाले हैं, ये ज़्यादा ही डीप थिंकिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है, सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे वही बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना ये कभी सोचेंगे ना कि नहीं छोड़ो ये रिलेशनशिप नहीं सही होगा, ठीक है, नहीं सही होगा। इनके माइंड में कुछ निगेटिव थाट्स भी आने वाले हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में कि नहीं नहीं सही होगा, नहीं होगा, मुझे मूव ऑन करना होगा। लेकिन आगे ही कुछ पल के बाद इनका माइंड चेंज होने वाला है इनका माइंड चेंज हो जाएगा, और ये चैरियट का कार्ड है, सो ये एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, एक्शन ले लेंगे ये नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। इनका माइंड अचानक से चेंज होगा, इनको किसी के डर का, किसी के कुछ बोलने का कोई डर, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा जो इनके माइंड में आएगा कि नहीं मुझे अब नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। इनकी ऐसी फीलिंग रहने वाली है। टेन ऑफ वैंड्स, सो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, इनकी फैमिली है या फिर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको इनको निभानी ही है, ये मजबूर हैं उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए। तो ये जो है ना पर्सन ये छोड़ भी नहीं सकते उस जिम्मेवारी को, ठीक है, क्योंकि इनके सामने है इनका इनकी इनके ऊपर जो जिम्मेवारी है ये यही निभा सकते और कोई नहीं निभा सकता, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ये मजबूर होकर कदम उठाएंगे, ठीक है। इन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर मजबूर होकर कदम उठाएंगे। वाह, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड, सो यहाँ पे सिक्स ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोगों का रियूनियन होने वाला है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है ना, आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, आपके पार्टनर का कॉल आने वाला है आपको, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो और कार्ड्स देखते हैं प्लीज, इनवर्स गाइड मी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगेन, रियूनियन अगेन रियूनियन होने वाला है आप दोनों का जो है ना, एकदम आपके पार्टनर आने ही वाले हैं। नंबर सिक्स का कार्ड टू टाइम्स आया है, दिख रहे हो आप लोग। सो यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है, क्योंकि उनको जो है आपके साथ जो पल बीते हुए हैं ना वो याद आने वाले हैं, और उसको वो मिस भी करने वाले हैं, उन पलों को जो है ना वो मिस भी करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जो है यहाँ पे आपसे कनेक्ट है, पूरी तरह से कनेक्ट है। मैं देख पा रही हूँ कि इनकी जो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट है आपके साथ। इनका जो है ना मुझे दिख रहा है बहुत प्रेम करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम टूटकर प्रेम करना जिसे कहते हैं ना, उतना ही प्रेम करते हैं ये आपसे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो है ना कार्ड बता रहे हैं कि इस एनर्जी के बाद जो है ना इनकी एनर्जी ये चेंज होने वाली है, यानी कि पॉजिटिव होने वाले हैं आपके पार्टनर इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। और टेन ऑफ शॉर्ट्स, सो ये जो है सेपरेशन ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है, ये जो सेपरेशन है ये जो है ना टाइम, ये दर्द भरा टाइम जो है ये ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पे द एंड हो जाएगा, इस सिचुएशन का द एंड होकर के अब ये सिचुएशन आने वाली है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी जो है रिलेशनशिप में, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों की, आप दोनों में जो भी हुआ है ना वो अच्छे के लिए हुआ है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है हमारे पास, सो और यहाँ पे द फूल का कार्ड है, सो ईश्वर के भरोसे आप सब छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पार्टनर तो आने ही वाले हैं, यहाँ तो मुझे दिख ही रहा है कन्फर्म कि आपके पार्टनर आने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी है जो कि बता रहा है कि ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है,
ये जाने वाले हैं नहीं, इनको आना ही है, ये मजबूर हो जाएंगे आप कॉल या मैसेज करने को, ठीक है। सो चलो, प्लीज इनवर्स गाइड मी। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। सो देखो, यहाँ पे आपने अपना फिफ्थ चक्रा ओपन किया है, आपको एहसास है आपके साथ जो है ना आर्कएंजल हैं। सो ये आपकी हेल्प करेंगे, जहाँ भी आपको वीकनेस महसूस हुई, इमोशनली हुए और वीक हुए ना, तो वहाँ पे आपको ये एंजल आर्कएंजल जो है ना आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, आपकी रक्षा करेंगे, ये आपकी आपकी बचाव करेंगे कि हाँ नहीं, आपको वीक नहीं होना है, ठीक है। यहाँ विक्ट्री का कार्ड है हमारे पास, तो आपको विक्ट्री मिलने वाली है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में जो है ना, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो और कार्ड देखते हैं, और क्या कार्ड्स हैं मेरे पास, और कार्ड्स देखते हैं। तो बहुत सारे परेशानियां आपने झेली हैं अपनी लाइफ में, आप दोनों के रीयूनियन होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आई है यहाँ पे, और वो सब चॉइसेस जो है ना अब ख़त्म होने वाली है इन एन यांग। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो है यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो आप लोग, ठीक है, इसलिए जो है ना ये सारा सेपरेशन और ये दर्द भरा टाइम रहा है आप लोगों का। और कार्ड देखते हैं, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए यहाँ पे जो है ना आपके पार्टनर अपने फाइनेंस पे भी वर्क कर रहे थे और अपना दिल भी थामे हुए थे, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ना ये सब अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप लोगों का बीच जो है ना, देखो यहाँ पे कार्ड भी आ गया मेरे पास, अबंडेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है। आपको बस तैयार रहना है उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, सो उसको आपको जो है ना आपको इंतज़ार करना है कि वो टाइम कब आए, ठीक है, और ये जल्द ही आने वाला है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में ही आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी रहने वाली है। ओके, सो ये रही आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। सो चलो, बाय।